दोस्तों, अगर आपने वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग बनाया है और आप स्पीड को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, तो हम आपको बताएंगे वर्डप्रेस का सबसे अच्छा प्लगइन स्पीड से रिलेटेड, वो है WP फास्टेस्ट कैच। दोस्तों, इस प्लगइन के द्वारा आप अपनी साइट या ब्लॉग की स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो भी फ्री में। इसके फंक्शन फीचर काफ़ी अच्छे हैं, जो वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर दोस्तों आपकी वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड अच्छी है तो गूगल के नज़र में सबसे अच्छी वेबसाइट है। आज प्रेफर उन्हीं वेबसाइट को गूगल करता है जिनकी स्पीड अच्छी है, जिसका कंटेंट अच्छा है। आप कंटेंट अच्छे लिख रहे हैं, वेबसाइट लेआउट काफ़ी परफेक्ट है, स्पीड के लेकर प्रॉब्लम में आ रही है, ट्रैफिक कम आ रहा है, तो आप WP फास्टेस्ट कैच का यूज कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका प्रीमियम वर्जन लेंगे तो कुछ और एडवांस फंक्शन मिलेंगे आपको। तो कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कौन सी सेटिंग क्या काम करती है, आपको कौन सी सेटिंग इनेबल करना है, कौन सी नहीं करना, आज पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं WP फास्टेस्ट कैच के बारे में। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉग इन हो जाते हैं और इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस की सेटिंग आएगी, यहाँ पर है प्लगइन्स ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लगइन सर्च करना है, प्लगइन का नाम WP फास्टेस्ट कैश। तो देखिए दोस्तों, ये प्लगइन आ चुका है। तो दोस्तों, आप इसकी रेटिंग दे सकते हैं और इसके एक्टिव डाउनलोडर हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों एक्टिवेट बटन आएगा, आप इस पर क्लिक करके प्लगइन को साइट के अंदर एक्टिवेट कर लीजिए। तो हमारा सक्सेसफुली WP फास्टेस्ट कैच यहाँ पर इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर सेटिंग आ जाएगी WP फास्टेस्ट कैच की, आप इस पर क्लिक कीजिए। WP फास्टेस्ट कैच फंक्शन में क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आएगा, ये सेटिंग है। अब दोस्तों, आपको स्पीड कैसी रखनी है अपनी साइट की, किस तरह होनी चाहिए, ये सब सेटिंग पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों कुछ फंक्शन को इनेबल करूँगा, कुछ डिसेबल रहने दूंगा, है ना। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सेटिंग चाहिए, ठीक। तो मैं अपने हिसाब से सेटिंग कर देता हूँ और कौन कौन से फंक्शन मैं इनेबल करूँगा मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, ठीक है। तो पहला है कैश सिस्टम। तो कैश सिस्टम आप इसको इनेबल कर दीजिए, अगर आप इसे इनेबल नहीं करेंगे तो कैश का कोई मतलब ही नहीं है साइट के अंदर, ठीक है। तो आप इस प्लगइन को यूज कर रहे हैं तो पहला फंक्शन आपको इनेबल ज़रूर करना है, ठीक है। कैश सिस्टम होता क्या है, जैसे कि इंटरनेट पर कोई भी इस आर्टिकल को सर्च करता है व्हाट इज कंप्यूटर को, तो ये आर्टिकल अगर कैश सिस्टम में स्टोर नहीं है, आपने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया, तो आपका सर्वर है जो भी कोई रिक्वेस्ट गई है वो सीधे डाटाबेस में जाएगा, तब ये आर्टिकल आपके सामने डिस्प्ले कराएगा, तो उसे समय लगेगा। अगर ये आर्टिकल कैश में स्टोर होगा तो तुरंत आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। इससे क्या होगा, सर्वर को डाटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, वो कैश से ही विजिटर के सामने इस आर्टिकल को डिस्प्ले करा देगा, है ना। तो दोस्तों, अगर साइट के अंदर कैश प्लगइन इंस्टॉल है और कोई क्वेरी टाइप कर रहा है पहली बार व्हाट इज कंप्यूटर की, तो सर्वर डाटाबेस से इस आर्टिकल को विजिटर के सामने डिस्प्ले तो कराएगा, एक कॉपी कैश प्लगइन के अंदर इंस्टॉल कर देगा। तो जब भी दोबारा कोई विजिटर आता है या अन्य कोई विजिटर आता है, यही विजिटर आता है, तो सर्वर को डाटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत जाकर कैश से ही इस आर्टिकल को डिस्प्ले करा देगा। तो दोस्तों, इस वजह से वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहती है और विजिटर का टाइम भी बचता है, ठीक। तो आप इसे इनेबल कर लीजिए। फिर है प्रीलोड। अगर आपकी साइट बड़ी है, लाखों में ट्रैफिक आ रहा है, तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे इनेबल कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसे डिसेबल रहने दीजिए। अगर दोस्तों साइट के अंदर कोई लॉगिन है यूजर, उसको आप कैश सिस्टम नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं, वरना आप इसे डिसेबल रहने दे सकते हैं। तो मैं इसे इनेबल कर देता हूं। एंड यहां पर डोंट शो द कैश वर्जन फॉर डेस्कटॉप टू मोबाइल डिवाइस, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, तो मैं नहीं दिखाना चाहता कोई भी डेस्कटॉप टू मोबाइल में जाए, तो मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको डिसेबल रहने देता हूँ। न्यू पोस्ट कैश हो तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अपडेट पोस्ट तो यहाँ पर केवल डिफॉल्ट रहने देता हूँ, इस फंक्शन में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मिनीफाई HTML, मिनीफाई CSS, कंबाइन CSS। तो मिनीफाई HTML है क्या है दोस्तों, आपकी साइट HTML से बनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर और व्यू सोर्स पर जाएंगे, तो यहाँ पर ये कोड है CSS, जावा इसकी HTML की। ये कोड अगर काफ़ी बड़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोडिंग है, ठीक है, तो उनके साइज को यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर साइज कम होगा, साइट की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं मिनीफाई HTML को इनेबल करूँगा, मिनीफाई CSS को इनेबल करूँगा, और यहाँ पर मिनीफाई जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन नहीं है, है ना। तो मिनीफाई जावास्क्रिप्ट होगा तो बेस्ट रहेगा, लेकिन नहीं है, ये प्रीमियम वर्जन मिलेगा, तो मैं इसमें
कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूं। तो अलग से ऐसा प्लगइन यूज करना है आपको जिससे जावा स्क्रिप्ट अगर कोड यूज है तो वो कोड अगर ज्यादा है तो वो यहां पर रेड्यूस हो जाए, उसका साइज कम हो जाए जिससे स्पीड पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है। एंड कंबाइन CSS कंबाइन जावास्क्रिप्ट, ये आपको तय करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो मैं इनको भी इनेबल कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर सबसे अच्छा फंक्शन है gzip। दोस्तों आपकी साइट में zip फोल्डर होते हैं, देखा होगा आपने, डाउनलोड किए होंगे फोल्डर डाटाबेस के अंदर से, तो वहाँ पर zip होते हैं, तो उनका साइज है उनको सर्वर के अंदर से ही कम किया जा सकता है इस प्लगइन के द्वारा। ठीक है, तो zip फोल्डर के साइज को आप रेड्यूस कर सकते हैं, इससे इस साइट की स्पीड बढ़ेगी। रेड्यूस द साइज ऑफ फाइल सेंड फ्रॉम योर सर्वर। ठीक है, एंड यहाँ पर ब्राउजर कैचिंग, तो ब्राउजर कैचिंग आपको करना है कि नहीं करना, चलिए मैं इसे भी कर लेता हूँ। फिर दोस्तों डिसेबल इमोजिस, तो ये फंक्शन आपको करना है नहीं करना, तो यहाँ पर मैं ढिकमा कर देता हूँ। अब आपको करना है नहीं करना ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर कैश सिस्टम को किया इनेबल, प्रीलोड को छोड़ दिया मैंने क्योंकि मेरी साइट छोटी है अभी। एंड यहाँ पर लॉग यूजर के लिए किया मैंने इनेबल। एंड यहाँ पर न्यू पोस्ट अपडेट पोस्ट, यहाँ पर क्लियर कैच हो न्यू पोस्ट अपडेट पोस्ट में। एंड यहाँ पर मिनीफाई HTML, अगर HTML के कोड हैं तो वो छोटे हो जाएं। मिनीफाई CSS, मिनीफाई के कोड हैं वो छोटे हो जाएं। एंड यहाँ पर कंबाइन CSS, जावास्क्रिप्ट का मेरे पास फंक्शन नहीं है मिनीफाई का, तो इसके लिए आप अलग से प्लगइन यूज कर सकते हैं। फिर है gzip, zip फोल्डर है उनका साइज कम हो जाए, अगर फोल्डर के साइज कम होंगे तो आपकी स्पीड पर फर्क पड़ेगा, लोड टाइम कम होगा साइट का। ठीक है, ब्राउजर कैचिंग, रिपीट विजिटर के लिए मैंने ये किया है इनेबल, और फिर डिसेबल इमोजीज। ठीक है, सारा करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग इनेबल हो चुकी है पूरी तरीके से। फिर दोस्तों यहाँ पर है डिलीट कैच, तो क्या यहाँ पर कैच को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रीमियम फंक्शन है, और यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइज का प्रीमियम है। एंड यहाँ पर फिर इसके प्रीमियम वर्जन है, CDN है इसमें। ठीक है, CDN अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे। ठीक है, एंड डाटाबेस, दोस्तों डाटाबेस जो आपकी बेकार फाइल है, डिलीट है, ड्राफ्ट में गई है कुछ कंटेंट, कुछ प्लगइन्स की फाइल्स हैं जो आपने डिलीट कर दिए हैं, तो यहाँ पर डाटाबेस में चला जाता है, तो उसकी कुछ फाइलें रह जाती हैं। आप सोचते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन आप हटाएंगे तो पूरी तरह से हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कुछ फाइलें होती है बेकार, वो स्टोर हो जाती है डाटाबेस के अंदर, इस वजह से बेकार फाइलें होती हैं और ये साइट को प्रॉब्लम करती है, इसकी साइट की स्पीड को भी कम करती हैं। ठीक है, तो हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है। दोस्तों अपनी साइट के अंदर WP फास्ट कैश प्लगइन इंस्टॉल करके कैश सिस्टम तो यहाँ पर इनेबल कर लिया। अब जो डाटाबेस में ये फाइल हैं इनको डिलीट करने के लिए एक डाटाबेस प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जो डाटाबेस को क्लियर करे। इसके लिए मैं आपको एक प्लगइन सजेस्ट करूँगा, आप जाएंगे एड न्यू प्लगइन के अंदर, यहाँ पर प्लगइन आप सर्च करेंगे WP ऑप्टिमाइज। इस प्लगइन से आपका डाटाबेस ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपकी जो भी बेकार फाइल हैं डाटाबेस के अंदर स्टोर है वो सब डिलीट हो जाएंगी, है ना, इससे आपकी साइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये फ्रीमियम है इसलिए हम इस फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। फ्रीमियम या डाटाबेस क्लियर करना है तो आपको अलग से एक प्लगइन यूज करना है, वो WP ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो दोनों प्लगइन की हेल्प से आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी साइट की, है ना। तो इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल बना देंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।